Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूं रुक्सा शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 36 अफराद जान की बाजी हार गए। एक ही दिन में मजीद 2362 नए मरीज सामने आ गए। लुटेरे कोई भी हथकंडे अख्तियार कर लें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान कहते हैं मुस्तकबिल में PDM के ब्लैकमेल करने के और भी मंसूबे हो सकते हैं, लेकिन मेरी हुकूमत कभी भी NRO नहीं देगी। अपोजिशन से मुज़ाकरात का आगाज होना चाहिए। फवाद चौधरी कहते हैं जलसे की नाकामी के बाद अपोजिशन का बयानिया अमलन अपनी मौत मर गया। आर्या पार से मतलब जलसा करना था। राणा सनाउल्ला कहते हैं इस नालायक और नाअहल टोले को आखिरी धक्का देने के लिए सब इस्लामाबाद पहुंचेंगे। सऊदी अरब से पाकिस्तानियों की तरसीलात जर में 28.2% इजाफा हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई से नवंबर तक समंदर पार पाकिस्तानियों ने 11.769 अरब डॉलर भेजे। DC को धमकियां देकर MQM वाले अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। सईद गनी कहते हैं कराची किसी के बाप की जागीर नहीं है। Greenish hand sanitizer, Ala Clean quality, 75% food grade alcohol, non-sticky और non-oily formula. आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट। लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। फॉर फैमिली लॉ, रियल एस्टेट, विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। कॉल लॉयर शिखा शारदा, 905-956-6699। कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक साबित होने लगी। 24 घंटे के दौरान 36 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। अमवात की तादाद 8832 तक पहुंच गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 2362 नए मरीज सामने आ गए। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 47,236 तक पहुंच गई। महलिक वायरस 36 अफराद की जिंदगियों के चराग गुल कर गया। अब तक कोरोना से 4,40,787 शहरी मुतासर हो चुके हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिंध में 1,95,702, पंजाब में 1,27,541 शहरी मुतासर हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 52,449, बलूचिस्तान में 17,745 और इस्लामाबाद में 34,840 लोगों में वायरस की तस्दीक हुई। आज़ाद कश्मीर में 7,719 और गिलगित बल्तिस्तान में 4,791 शहरी मौलिक वायरस की जद में आए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि लुटेरे कोई भी हथकंडे अख्तियार कर लें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी तरफ से उन्हें NRO कभी भी नहीं मिलेगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने PDM के लाहौर जलसे के बाद ट्विटर पर रद्दे अमल देते हुए कहा कि मुझसे NRO मांगने के लिए इंतहाई महंगी कोशिश की गई। अफसोस के साथ कहता हूँ, मेरा हमेशा की तरह उन्हें एक ही जवाब है कि NRO नहीं मिलेगा। इमरान खान ने कहा कि PDM ने बहुत सारी रकम और वक्त सर्फ करके संगदिली का मुजाहरा किया और लोगों की जिंदगियां खतरे में डाली। ओपोजिशन के इस अमल से जाहिर होता है कि उनके लिए शहरियों की हिफाजत और फलाह बहबूद कितनी अहम है। ये सब सिर्फ अपनी लूटी हुई दौलत को बचाने और NRO के लिए मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, एक बार फिर आदा करता हूँ कि मैं कभी उन्हें NRO नहीं दूंगा। मुस्तकबिल में PDM के ब्लैकमेल करने और भी मंसूबे हो सकते हैं, लेकिन मेरा पैगाम वाज़े है, मेरी हुकूमत की तरफ से कभी भी कोई NRO नहीं आएगा। लुटेरे कोई भी हथकंडा इख्तियार करें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता।
वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि अब हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज होना चाहिए। इस हवाले से मजीद जानते हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि अब हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज होना चाहिए। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी करदा अपने एक बयान में वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा कि मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में पानी होता तो कई बोनों को चुल्लू भर पानी मैसर होता। अपने बयान में उन्होंने ये भी कहा कि जलसे की नाकामी के बाद अपोजिशन का बयानिया अमलन अपनी मौत मर गया। फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि हुकूमत को बहरहाल अपोजिशन को रास्ता देना चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अब इस्तीफे और दूसरा फैसला कुन लॉन्ग मार्च का ऑप्शन है। लॉन्ग मार्च जनवरी में हो या फरवरी में, उसमें भरपूर तरीके से शामिल होंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि कामयाब लाहौर जलसे पर पीडीएम क़यादत को मुबारकबाद देता हूँ। हुकूमत के तमाम इकदाम के बावजूद आवाम ने पीडीएम के जलसे में शिरकत की, लाहौर भी निकला, बाहर से भी लोग जलसे में आए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि आर या पार से मुराद जलसा था। हुकूमत पूरा जोर लगा रही थी कि जलसा नहीं होने देना। बहुत सारी दुनिया पंडाल में नहीं पहुँच सकी, पंडाल से ज्यादा लोग बाहर बैठे थे। जलसे के शुरका को गाड़ियां देने से रोका गया और कुर्सियां तक नहीं लाने दी गईं। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि उम्मीद है नून लीग की मरकजी मजलिस आमला पीडीएम के फैसलों की तौसीक करेगी। बेपनाह मुकदमात का इंदराज और कोरोना प्रोपेगेंडे के बावजूद आवाम ने पीडीएम का साथ दिया। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से तरसीलात ज़र पाकिस्तान में अरसाल करने की शरह में जारी माली साल के पहले 5 महीनों में गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे के मुकाबले में 28.2% का नुमाया इजाफा हुआ है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से तरसीलात ज़र मुल्क अरसाल करने की शरह में जारी माली साल के पहले 5 महीनों में गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे के मुकाबले में 28.2% का नुमाया इजाफा हुआ है। स्टेट बैंक के आदाद शुमार के मुताबिक जुलाई तक नवंबर 2020 तक की मदत में सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों ने 3.330 अरब डॉलर का ज़र मुबादला मुल्क अरसाल किया, जो गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे के मुकाबले में 28.2% ज्यादा है। गुज़िश्ता माली साल की इसी मुद्दत में सऊदी अरब में काम करने वाले पाकिस्तानियों ने 2.597 अरब डॉलर का ज़र मुबादला मुल्क अरसाल किया था। नवंबर 2020 में सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों ने 615.1 मिलियन डॉलर का ज़र मुबादला मुल्क अरसाल किया। गुज़िश्ता साल नवंबर में सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों ने 490.8 मिलियन डॉलर मालियत का ज़र मुबादला अरसाल किया था। समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से जारी माली साल के पहले 5 माह में तरसीलात ज़र मुल्क अरसाल करने की शरह में गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे के मुकाबले में मजमूई तौर पर 26.9% का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। वज़ीर तालीम व मेहनत सिंध सईद गनी ने कहा है कि असम्बलियों के इस्तीफों की मामले पर सिंध सरप्राइज देगा। कराची शहर उनका भी नहीं है, जो कहते हैं कि कराची किसी के बाप का नहीं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। DMC सेंट्रल में 1200 ऐसे मुलाजमीन जो रिटायर्ड या इंतकाल कर गए लेकिन उनकी तनख्वाहें जारी थी, डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर ने इस करप्शन पर नोटिस लिया और तनख्वाहें रोक दी हैं। समाजी तंजीमों के रहनुमाओं और मुख्तलिफ शोबा हाई जिंदगी से ताल्लुक रखने वालों की जानिब से पीपल्स पार्टी में शमूलियत के हवाले से मनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सूबाई वजीर तालीम सईद गनी का कहना था कि DC सेंट्रल को धमकियां देने वाले MQM के रहनुमा दरअसल उर्दू बोलने वालों के जज्बात से खेलकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। DC सेंट्रल ने इस DMC सेंट्रल जिसमें MQM के वोटर्स और उर्दू बोलने वालों की बड़ी तादाद मौजूद है, उस DMC में होने वाली करप्शन के खिलाफ एक्शन लिया है। जिस DMC सेंट्रल से साबका चेयरमैन के दौर में 16,000 मैट्रिक टन कचरा उठता था और उसके लिए 1.5 से 2 करोड़ का पेट्रोल इस्तेमाल होता था। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। सब्सक्राइब टैग TV YouTube चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।